अभिरा के घर से जाने के बाद रूही ने बताया रोहित को कि वो है प्रेग्नेंट। पूरे परिवार के सामने खुल गई रूही की प्रेगनेंसी की सच्चाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी धमाकेदार होगी, क्योंकि भाई यहाँ पर अभिरा को तो मनीष लेकर जा चुका है पोतार हाउस से हमेशा के लिए। दरअसल आपको बता दें कि मेहंदी सेरेमनी में जहाँ अभिरा की रिपोर्ट आती है और ये बात जो है पता चलती है विद्या को कि अभिरा कभी माँ नहीं बन सकती है, तो वो तमाशा खड़ा कर देती है। यहाँ पर विद्या, दादिसा और संजय तो अभिरा के करेक्टर पर सवाल खड़ा कर देते हैं और बहुत बेइज्जती करते हैं। ये सारी बेइज्जती मनीष सुन नहीं पाता है और अपनी अभिरा को लेकर चला जाता है। जहाँ पर अरमान और अभिरा एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, तो वही गोइंगा हाउस में अभिरा को लेकर मनीष तो आ गया है, लेकिन वही अब पोतार हाउस में एक बड़ी गुड न्यूज आने वाली है और ये गुड न्यूज देने वाली है रूही। रूही बताने वाली है परिवार वालों को कि वो प्रेग्नेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर रूही रोहित को बताएगी कि वो माँ बनने वाली है। ऐसे में रोहित सुनकर बहुत खुश हो जाने वाला है, तो वहीं पर पूरा परिवार भी खुश होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सब लोग सैड भी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभिरा की जो प्रेगनेंसी की जो न्यूज थी, जो वो माँ नहीं बन सकती, ये सुनकर भी वो लोग सैड थे और शॉक भी थे। लेकिन अब जहाँ रूही की प्रेगनेंसी की सच्चाई पता चली है, तो ये सब लोग बेहद खुश होने वाले हैं। तो वहीं पर जब ये बात अभिरा को पता चलेगी, तो वो भी काफी ज्यादा खुश होगी, लेकिन इमोशनल भी होने वाली, क्योंकि ये न्यूज, ये बात वो कभी जो है अपने परिवार वालों को नहीं बता सकती है और ना ही ये गुड न्यूज वो कभी दे पाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर अरमान अभिरा का रिश्ता भी टूट गया है। अब ऐसे में यहाँ पर दाइसा क्या करने वाली है रूही की प्रेगनेंसी की बात सुनकर? क्या वो यहाँ पर अभिरा को वापस लेकर आएंगे? उनके दिमाग में कोई नई खिचड़ी पकने वाली है इस प्रेगनेंसी की न्यूज को सुनकर? वेल दोस्तों, देखना कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या यहाँ पर रूही की प्रेगनेंसी की वजह से अब अरमान और अभिरा एक हो पाएंगे। वेल दोस्तों, हमें कमेंट में शेयर करें आप कितने एक्साइटेड आने वाली धमाकेदार कहानी देखने के लिए, और क्या आप भी खुश हुए हैं जानकर कि रूही प्रेग्नेंट हो। और ऐसे में यहाँ पर क्या आपको लगता है कि अरमान और अभिरा अब एक हो पाएंगे? हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।